हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग जानेंगे कि फेसबुक पेज में कैसे एड मनी बनाते हैं। किसी को भी आप एड मनी बहुत आसानी से बना सकते हैं, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले अपने फेसबुक को लॉगिन कीजिए और जिस पेज आपने बनाया है उस पेज को ओपन कीजिए। जैसे कि हमने पेज बनाया है जिंदगी नाम से, तो ज़िंदगी को ओपन करते हैं। अब तक आपने हमारे इस पेज को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जाके लाइक और फॉलो ज़रूर कर लें, जिसको आपको अच्छी अच्छी इस पर शायरी से रिलेटेड पोस्ट मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले ऊपर जाइए जहाँ लिखा है ऐड इनबॉक्स नोटिफिकेशन, इसमें जाके आप सबसे किनारे नोटिफिकेशन एड्स, यहाँ देखिए सेटिंग। सेटिंग में जाने के बाद आप जाइए पेज रोल्स, जनरल सेटिंग में मैसेजिंग नोटिफिकेशन व्हाट्सएप पेज रोल्स जहाँ लिखा है, इसमें लिखा है पेज सपोर्ट, पेज रोल्स पर जाइए और कुछ देखेंगे कि इसमें एड मनी पहले से आप हैं और एड आ पर्सनली एड मनी पर क्लिक कीजिए। और जिस नाम पे पर्सन एड आ पर्सन पर क्लिक करने के बाद जिस नाम, जैसे आप किसी और को एड मनी बनाने वाले हैं तो उसका नाम आप सर्च कर सकते हैं या आप नीचे ऐसे स्क्रॉल करके ढूंढ नहीं सकते, तो सर्च करने पे आप सर्च करके किसी को भी बहुत आसानी से पेज का एड मनी बना सकते हैं। और जैसे ही आप उसको सेलेक्ट करते हैं और जैसे ही सेलेक्ट करके आप उसके पास एड मनी का रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो सबसे पहले उसको एक जाता है, पहले सबसे पहले किसी के एड मनी बनाने से पहले आपका वो लॉगिन आईडी का पासवर्ड मांगता है। तो आप पासवर्ड मांगेंगे और उसके थोड़ी देर बाद, जैसे ये देखिए पासवर्ड मांग रहा है, जैसे ही आप पासवर्ड डाल के कंटिन्यू कर देंगे तो उसके पास एक रिक्वेस्ट चली जाएगी और जैसे ही वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है वो एड मनी बन जाता है। और आपके पेज में थोड़े जो चेंजेस होते हैं एड मनी वाले वो चेंज कर सकता है। आप एड मनी के अलावा यहीं सेटिंग में जाके आप उसको कुछ भी एडिटर उडिटर कुछ भी बना सकते हैं।